आगरा में निर्मित इनर रिंग रोड इंजीनियर के एक अद्भुत नमूने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन क्या यह सच में एक उत्कृष्ट निर्माण है या इसे रिश्वतखोरी का परिणाम मानना चाहिए? ऐसा ही सवालिया निशान लगाते हुए इस सड़क निर्माण के मुद्दे को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने उठाया है। वह इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इस लीपापोती को लेकर कार्यवाही की मांग की है। वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आरोप लगाया है कि इस महत्वपूर्ण शहर योजना के निर्माण में गड़बड़ियां की गई हैं, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वे खुद इनर रिंग रोड का निरीक्षण करें, ताकि घटिया निर्माण का असली चेहरा सामने आ सके। वहीं उन्होंने साफ कहा कि ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्यवाही की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। आगरा के सक्षम विभागों के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की सहायता से इनर रिंग रोड बना है, जिसके लिए बड़ा भारी खर्चा किया गया है। मेरा निवेदन है आगरा के सभी जागरूक लोगों से कि इस इनर रिंग रोड का एक चक्कर काट के आइए। आपको स्थिति पता चल जाएगी कि आगरा के इनर रिंग रोड बनाने वाले हमारे अधिकारी किस लेवल तक भ्रष्ट हो सकते हैं। उस रोड के चारों तरफ कुछ रोड तो बंद कर दिए हैं, ऊपर नीचे कर दिए हैं, और जो सर्विस रोड बनाए हैं उसके ऐसी भयानक हालत है उसकी कि छोटी मोटी कार तो पूरी गड्ढे में समा जाए और उस पर करोड़ों का तुर्रा, उस पर टोल भी लगना है, उसमें अन्य व्यवस्था भी होनी है। भाई किस चीज़ का ये लूट डकैती मना रहे हैं? कपिल वाजपेयी ने यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत लेकर सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे टैक्स चुकाने वाले वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने इस देश के प्रति संगद्दारी जैसा कृत्य करार दिया और अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।